also know in their hearts जबकि वे हृदय में अच्छी तरह जानते हैं that there is nothing really so great in that sin that one would like to get back into और वो सारे पापों में कोई महान चीज उनके लिए नहीं है वे अच्छी तरह अपने हृदयों में जानते हैं they know there in their hearts वे जानते अपने हृदयों में and yet तो भी they are trapped तो भी उसमें फंसे हुए at the same time और इस ऐसे समयों में they also come to the house of God, वे परमेश्वर के भवन में भी आते and they feel empty, और वे खाली महसूस they करते see that there's nothing in the world, और वे जगत में पाते हैं कि कुछ नहीं है they realize that, ये इस बात को जानते हैं Are you listening? Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या I'm struggling to share this across to us. ये सच में मैं जद्दोजहद कर रहा हूं इसे बांटने के लिए You know, there is sin there, और वहां पाप है and you are drawn to that sometimes, और उसमें आप बह रहे हैं and you know that is not really going to help you. और वो आपकी सहायता बिल्कुल नहीं करेगी आप जानते हैं you are trapped there, और वहां फंस गए हैं you are trapped in the world, और दुनिया में फंस गए हैं you are trapped with a sin, और एक पाप में फंस गए हैं पापों में फंस गए हैं something where your flesh is dragging you, और ऐसा लगता है कि जो शरीर वहां खींच रहा है and you know that there is nothing really there, lost और आप जानते हैं कि अंतोगत्वा की वहां पे कुछ भी नहीं है दुनिया then you come to the house of God, और जब फिर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं you know, where God is spreading his table for you, जब परमेश्वर आपके लिए मेज सजाता है and it is a boredom for you, और ये एक बोझ बन जाता है आपके लिए उकताने वाली बात हो जाती है आपके लिए Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं You come to the house of God, आप परमेश्वर के भवन में आते हैं You sing songs to the Lord, और परमेश्वर के लिए आप गीत गाते हैं We go through the motions of things in the house of God, और जो कुछ इस भवन के अंदर चल रहा है उसके साथ बहने शुरू करते हैं Yes, but they are trapped. पर वे फंसे हुए They are trapped in a spiritual vacuum. और वे आत्मिक निर्वात में फंसे हुए हैं इन स्पिरिचुअल नथिंगनेस और वहां पे आत्मिक कुछ भी नहीं है यू नो दे आर लॉस्ट इन स्पिरिचुअल ब्लैकनेस और वे उस आत्मिक अंधकार में खो गए दे आर लॉस्ट इन स्पिरिचुअल वॉइड और वे आत्मिक शून्यता में खो गए हैं आर यू हियरिंग गॉड क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर को डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं You know, brothers and sisters, this is a reality amongst God's people. परमेश्वर के जनों के मध्य में ये सच्चाई है मेरे भाई। So we see that they're trapped between the world. In the world, they are trapped. They're trapped in the house of God as well. और वे बाहर संसार में फंसे हुए हैं और परमेश्वर के भवन में भी फंसे हुए हैं। They're trapped in a lukewarm. और वे एक न ठंडा न गर्म की अवस्था में फंसे हुए हैं। No win situation, neither here. Nor there any victory or any kind of help. किसी प्रकार की जयवंतता ना तो संसार में और ना उसके आत्मिक जीवन में. Have you seen? I have seen many believers like this. मैंने बहुत सारे विश्वासियों की जिंदगी में ये देखा. Neither they are able to enjoy the world. ना वे able to enjoy the life in Christ. ना तो वे संसार में आनंद उठाते हैं और ना ही मसीह के जीवन का आनंद उठा पाते हैं. Amen. God is showing us the mirror. परमेश्वर आईना दिखा रहा है. Let's look into the mirror. उस आईने में देखें परमेश्वर के वचन के आईने में. They enjoy nothing. उन्हें हर्ष किसी बात का नहीं. And may God save us. परमेश्वर बचाए. They go into the world. वे दुनिया में जाते हैं. They are with their friends. वे अपने मित्रों के साथ होते हैं. They move about with them. वे उनके साथ घूमते चलते फिरते हैं. It could be your friends. It could be your relatives. और हो सकता है कि आपके संबंधी हों या आपके मित्र हों. It may be your cousins. हो सकता है कि आपके रिश्तेदार हों. You are with them. पर आप उनके साथ हैं. But you are not able to fully enjoy that. पर पूरी तरह से आप आनंद नहीं उठा पाते. You know why? क्यों?
Something that says that's not right for you. क्योंकि कोई चीज है जो कहती कि ये ठीक नहीं है. Your heart. क्योंकि आप अपने हृदय के अंदर ये प्रश्न देखते हैं. You are not able to enjoy. कि आप उसका आनंद नहीं उठा पाते. Neither when you come to the house of God, you can enjoy the company of the true saints. यहाँ तक कि कलीसिया के अंदर जो सच्चे संत हैं उनके साथ भी आप आनंद नहीं उठा पाते. This is what Paul quoted from the book of Psalms. Or this is what the apostle Paul quoted from Psalms. Or yahi prerit Paulus ne bhajan sanhita mein se leke likha. Yes. It's become a trap. Aur unke liye fanda ban gaya. Yes. That they can't enjoy the company of the true saints. Aur sachche santon ki jo sahbhagita ka anand nahi utha pate. They do not enjoy worship. और वे उस आराधना का लुफ्त नहीं उठा they पाते endure worship. और वो जो एक धीरज के साथ की आराधना का लुफ्त नहीं उठा पाते and look at that mirror. और इस आईने में जो परमेश्वर के वचन का है इसमें yes. देखें. Many believers today, they endure worship. और बहुत सारे विश्वासी जो हैं इस आराधना का जो धीरज के साथ की जाने वाली and है some उसका लाभ just as miserable outside. और बाहर वे एक दयनीय अवस्था के जीवन व्यतीत करते हैं. You know, they are as miserable outside God's house as they are inside the house of God. वे परमेश्वर के भवन के बाहर भी एक दयनीय अवस्था में हैं और परमेश्वर के भवन के अंदर भी दयनीय अवस्था में. They are uncomfortable with both company. और दोनों ही स्थानों में वे चैन से नहीं है. They are uncomfortable with both the crowds. और दोनों ही जो भीड़ों में वे उनको किसी प्रकार की शांति नहीं है. And they are neither hot nor cold. ना तो वे गर्म हैं और ना वे ठंडे हैं. And they are trapped in lukewarmness in और their lives. वे ना ठंडे ना गर्म अवस्था के अंदर फंसे हुए हैं. And God will spew them out of his mouth. और परमेश्वर अपने अपने मुंह से उन्हें उगलने पर है. Yes, that's what we read in Revelation chapter 3 verse 16. और यही हम जो है प्रकाशित वाक्य 3:16 में पढ़ते हैं. You know, many a time I wonder. कई बार मैं आश्चर्य करता हूँ. You know, when I look around. जब मैं आस पड़ोस में देखता हूँ. You know, many go to church or the on Sundays. रविवार को लोग कलीसियाओं में जाते हैं. And I wonder why do they even go to church? वे क्यों कलीसिया में जाते हैं मैं आश्चर्य करता हूं. Because they don't enter in, into his presence. वे उस परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश ही नहीं कर पाते. They get very little out of that visit to the church. और वे जो कलीसिया के अंदर जो उनका जाना है वो बहुत ही थोड़ा ही उन्हें कुछ अनुदान के रूप में दे पाता है. They are not able to receive. वे उसे पा नहीं पाते. And they hardly get anything out of that visit. और वे कुछ थोड़ा ही वहां से कुछ ले पाते. And brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. There are many believers. बहुत सारे विश्वासी हैं. Who are once again mere church goers. और वे कलीसिया में जाने वाले बहुत ही कम कलीसिया में आते जाते हैं. No. They are merely going to the church. Just going to the church. वे केवल जो है कलीसिया में जाते ही हैं. Yes. Just church goers. बस केवल कलीसिया में जाना उनके लिए yes. काम है. Nothing. They don't enter into God's presence. They don't experience His presence. They just finish some formalities and they come back. Nothing. वे कुछ औपचारिकताओं को पूरा करते हैं कलीसिया में जाने की. yes. ना तो वे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाते हैं. yes. ना उस उपस्थिति का कुछ लाभ उठा पाते. You know, so remember what God says through this is that those privileges and blessings have now become a trap for them. और ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर कहता है कि ये सारी आशीष है उनके लिए फंदा बन गई. Nothing in God's house is really helping them. और कुछ भी ऐसा परमेश्वर के भवन में नहीं है जो उनकी सहायता कर सके. They are dead. और पूरी तरह से मृत हैं वे आत्मिक रूप से. You know, there are people sometimes come and tell. और I've been coming to this church, I receive nothing.
और मैं इस कलीसिया के अंदर आता पर कि मुझे कुछ मिलते ही नहीं। And so I'm going out to look out where I can get something। और इसलिए मैं बाहर जाता हूं और ऐसी कलीसिया ढूंढता जहां से मुझे कुछ मिल जाए। I've heard this। मैंने सुना ऐसा। And the reason why that person got nothing is because he was spiritually asleep all these years। उस व्यक्ति का वो जो कुछ ना पाना कलीसिया के अंदर इस बात का सूचक है कि वो आत्मिक रूप से कलीसिया में सोया हुआ है। प्लीज लिसन केयरफुली, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा। आई नो दैट आई एम जज्ड ऑफ गॉड इन माय ओन लाइफ। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर का न्याय मैं अपनी जिंदगी के अंदर देखता हूं। It's difficult to share a word like this। और ये सच में कठिन है इस प्रकार के वचन का। It is not a joyful thing। और ये कोई आनंददायक बात नहीं है। Because God's word hurts you। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आपको मारता है। Oh may God help us to understand that। और इस बात को समझने के परमेश्वर सहायता करे। And I would like to say even today। और मैं कहना चाहता हूँ आज। It is God's love over you that you are here in this hall and you are able to listen to God's word। Wherever you may be listening and tuning in, it is God's love that you are able to hear this word। यदि परमेश्वर के वचन को आप इस भवन में या जहां कहीं आप हैं पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो ये परमेश्वर का प्रेम जो हम तक पहुंचा है। As I said, nothing in God's house is able to help such people। जैसे कि हमने सुना कि उस व्यक्ति को परमेश्वर के भवन में कुछ नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। Because they were not open to the Holy Spirit। क्योंकि वे परमेश्वर की आत्मा के लिए खुले हुए नहीं है। To his call that has been coming into their lives। कि ये जो पुकार जो उनके जिंदगी के अंदर आई। Over and over again। बार बार उनके जिंदगी में ये पुकार आई। I want to say। मैं कहना चाहता हूँ। That God's call is coming to you again even this morning। आज की सुबह एक बार फिर परमेश्वर आपको पुकारता है। Yes। You know, and when the people of God are not responding to God, जब परमेश्वर को परमेश्वर के जन प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, they come to a place they say that nothing can help them, और वो जब ऐसे स्थान पे आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो कोई सहायता नहीं हो सकती, they are normally going into a deep sleep but almost into a coma, और न केवल वे एक गहरी निंद्रा में जा रहे हैं बल्कि वो बेहोशी की निंद्रा में चले। You know, if you picture a person who is, you know, in the hospital and paralyzed, और एक व्यक्ति का चित्रण आप करें कि एक व्यक्ति जो अस्पताल में एक पैरालाइज या झोले का मारा हुआ जो व्यक्ति है उस रूप में अगर देखें, यू नो व्हेन यू लुक एट अ पैरालाइज्ड पर्सन, और जो झोले का मारे हुए व्यक्ति को देखें, ही इज एबल टू हियर व्हाट पीपल आर स्पीकिंग, जो लोग कह रहे हैं उसको सुन तो पाता है बट अनएबल टू मूव, पर कि चल फिर नहीं सकता। Able to hear, वो सुन सकता है but unable to move, पर कि वो चल फिर नहीं सकता या कोई प्रतिक्रिया अपने कार्यों के द्वारा नहीं कर सकता। Not able to respond, वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। Not able to do anything। और कुछ कर भी नहीं सकता वो। It's as though that person is in a coma। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मूर्छित व्यक्ति है। And so we see that today many are in spiritual coma। और बहुत सारे लोग आज के दिन ऐसा लगता है कि वे एक बेहोशी की निंद्रा में हैं। You know, where they can hear। वो सुन सकते हैं। They can sense movements, और वो कुछ जो हरकत हो रही है उसे भी समझ सकते हैं। Able to respond to anything, पर किसी चीज के वो परमेश्वर जो कह रहा है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया वो नहीं दे सकते। What a sad state that is। और सच में कैसी दुख भरी बात है ये। And it's my prayer that none of us would be found in that realm। मेरी प्रार्थना है कि कोई भी इस प्रकार के क्षेत्रों में ना पाया जाए। We are so concerned about our physical fitness। जबकि
लोग अत्यधिक अपनी शारीरिक जो बलिष्ठता को बनाए रखने के लिए चिंतित हैं। You know, so much concerned about. और बहुत ज्यादा चिंतित हैं शरीर को लेके। Why is that we are not concerned about our spiritual fitness? पर हम क्यों नहीं अपनी आत्मिक जो है आत्मिक स्थिति को बरकरार रखने की क्यों हम चिंता नहीं करते? Why are we not concerned about, not even a little concerned about our spiritual fitness? और हमारी जो आत्मिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए हम थोड़ा क्यों नहीं चिंतित हैं? Yes. Have you ever thought about it? कभी आपने सोचा इसके ऊपर? That you can neglect your spiritual life completely and then you be strong to stand against the world and the enemy and the flesh. और आत्मिक रूप से यदि आप सशक्त नहीं है तो कैसे संसार का आप सामना कर सकेंगे? Against the flesh. और शरीर के विरोध में. Against the enemy. और शत्रु के विरोध में. So we see that we want to be able to, we want to be in a place of, you know, good health so that we can fight against corona. और कोरोना जो बीमारी से लड़ने के लिए हमें एक शारीरिक बलिष्ठ होने की आवश्यकता है। We are taking homeopathic, we are making that drink and we are doing everything. हम हर एक उपाय करते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक का हो, चाहे कई प्रकार के पेय पदार्थ। Ayurvedic drink and that drink and this drink and everything in order to resist. ताकि हम उसके प्रतिरोध क्षमता पैदा करें उसे लड़ने के लिए। As the man of God said, holiness is the worst epidemic as far as the church of Jesus Christ is concerned. जहां तक परमेश्वर के प्रभु की कलीसिया की बात है, लोग worldliness जो दुनियादारी है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी महामारी है। Yes. And we do nothing about it. और हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। Nothing to prevent that? उसका प्रतिरोध करने के लिए कुछ नहीं करते? उसका विरोध करने के लिए कुछ नहीं करते? Why is this? क्यों ऐसा? Why is this mentality in God's people? परमेश्वर के लोगों के मध्य में इस प्रकार का रवैया क्यों है? Well, God will take care. क्योंकि परमेश्वर सारी बातों का ख्याल रख लेगा। Even if I don't take care, God will take care. यदि मैं उस बातों की चिंता नहीं करता और रक्षा में करता, प्रभु कर लेगा। Why you care then? तो परमेश्वर जो है शरीर की रक्षा करे, क्यों उसने हमें दिया है शरीर? नहीं, Why do you take care of your body? If क्यों? God will take care. अगर परमेश्वर अपना शरीर को देखभाल करेगा तो फिर आप क्यों देखभाल करना है? Why do you always favor yourself? क्यों आप अपना पक्ष लेते रहते हो? I want to tell us. मैं कहना चाहता हूं. All this tells us about the sleep we are into in our lives. और ये सब कुछ उस बात का सूचक है कि हम अपनी जिंदगी में सोए हैं। Every time the church doors are open, परमेश्वर कलीसिया के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। You know, whenever it is open, और जब खुले हुए हो, I'm talking about in terms of buildings, मैं भवन के विषय में कह रहा हूँ। You know, people just walk into these places, और इन स्थानों में सीधे लोग चले आते हैं। You know, and it's a normal thing on Sundays. ये तो एक सामान्य बात है रविवार को भवन के अंदर प्रवेश करना। On Sunday. Everybody goes to church. हर एक व्यक्ति कलीसिया जाता है रविवार को। Multitudes walk into those buildings. भीड़ की भीड़ इन भवनों के अंदर जाती है। Week after week. और सप्ताह दर सप्ताह। And sit there. और वहाँ बैठते हैं। For 2 hours. 2 घंटे। Or 1.5 hours. 1.5 घंटा। Or 3 hours. 3 घंटे। You know they are trapped. पर कि वे फंस जाते हैं। They are trapped. और वे फंस गए। They are the walking dead. और वे ऐसे जैसे कि मृत चल रहा हो। Spiritually dead, but walking. आत्मिक रूप से मरे हुए हैं पर वे चल रहे हैं शारीरिक रूप से। And this is what the Lord said. और यही प्रभु कहता है। That which was for their welfare has become a trap in their lives. जो अपने कल्याण के लिए करता है, वो अपने वो जो है फंदे में फंसा हुआ है। They should be meeting with God in the house of God. और उन्हें तो परमेश्वर से मिलना चाहिए परमेश्वर के भवन में। Yes. They should go
back from the house of God being comforted by God. और जब वे अपने घर को वापस जाएं कलीसिया से तो परमेश्वर की शांति के साथ जाएं. Strengthened by God. और परमेश्वर के द्वारा दृढ़ होकर जाएं. They should be encouraged in God's house. और परमेश्वर के भवन में उत्साहित होकर जाएं. They should be set aflame in their hearts and spirit. और उनके हृदयों के अंदर आत्मा की आग लेके जाएं वे. Instead of all that. और इसके बावजूद. It adds to their sorrow. और बल्कि ये सारी चीजें उनके हृदयों के अंदर दुख जोड़ देती है. They go back sorrowful. वे दुख के साथ घर जाते हैं.